काम आ गया जी, अर्जेंट जाना गुलाटी साहब के यहाँ। मैंने गाड़ी बाहर निकलवा के रखी है, सुखविंदर आ रहा है। उसकी थार में दो दरवाजे हैं ना, तो तीन लोगों तो प्रॉब्लम होती है। कनाडा में तो मैं अपनी बीवी की गाड़ी का मजाक उड़ाता रहता हूँ, यहाँ पे उसकी थार में भी दो दरवाजे हैं और उसमें थार में लाइट जो है ना वो अंदर सेंटर की तरफ होती है, मज़ा सा नहीं आता। मिस्टर सिंह आ जाएँ, उनको इस गाड़ी में बिठाते हैं, उनकी गाड़ी वाले में देते हैं, गुलाटी साहब के यहाँ चलते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या सीन है। जी क्या हाल है जी? बोलो ठीक है। इसी की वेट कर, दोबारा बोलो, मैंने इंटरफेयर कर दिया। आई एम बैक। अच्छा ठीक है, तुसी बैक आ गए हो तो फिर काम करो, गाड़ी अपनी दो वाले में, क्योंकि इसमें दरवाजे हैं दो, मजा नहीं आएगा, लोग हैं, तीन, लाइट भी बेकार है आपकी गाड़ी की। अच्छा हाँ, फिर हम चलते हैं मेरी गाड़ी में, गाड़ी रेडी है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? गुलाटी साहब के यहाँ वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, पूछ लो उससे, आपको पता है वो उनकी घड़ी थोड़ी लेट है। कोई नहीं कोई नहीं, हम तो घर ही जा रहे हैं, हमने थोड़ी कहीं बुलाना है, निकाल लेंगे बाहर, आ जाओ। चलो मैं गाड़ी लगाता। मनोज सर जी एक बात बताओ। हुकुम। क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया। सोच लो पहले, सोच लो, वो दिलाए हुआ फैक्टर। नहीं 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 नहीं, दो तीन जगह दिमाग से दो। अच्छा गुलाटी तो फोन ही नहीं उठा रहा, अब क्या करें, सीधा घर पे धावा बोलो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुलाटी साहब आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है मेरे भाई। भाई कहाँ पे है? आपके दिल में? आप दिल में मत रहो, आप बाहर आ जाओ। अच्छा। हाँ कैसे कैसे, क्या अभी है कहाँ ये बताना, एक तो तू उल्टी बात का जवाब देता हर बारी। अच्छा मैं तो यार थोड़ा दूर हूँ, बताओ फिर भी हुकुम करो। दूर हो? हाँ थोड़ा सा दूर। बताने में कोई तेरी हम भैंस खोल लेंगे वहाँ पे आके। अरे यार मैं कैसे बन जाऊँ। हे गुलाटी साहब। अभी ब्रो। बस बढ़िया बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्रदर ऑफ डिफरेंट मदर। हाँ जी। चलो आज कम से कम लाइट अच्छी है, आपके घर का डिजाइन नजर आ रहा है। अच्छा हाँ, क्योंकि सामने दिवाली की लाइटें चल रही है ना। एक बात बताओ, ये आपका घर बना कब था? मेरे को तो याद है हम शायद मेरे ख्याल से 5th 6th में होते थे। अप्रोक्सीमेटली 22 इयर्स अगो। 22 साल हो गए? 22 साल पहले ही पापा जी के डिजाइन की ना। मैं कल की वीडियो में यही बता रहा था, ये किस दिन में इसका आउटडोर शूट करूंगा। अभी तो खैर ओके ओके लग रहा है, बट इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी पॉकेट बहुत अच्छी है, 15 सेक्टर की, क्योंकि फरीदाबाद की सबसे अच्छा मेन सेक्टर है। हैं, गाड़ी की चाबी वहीं सेंटर में पड़ी होगी। सर यहीं पे दिलवा दो ना हमें इस पॉकेट में कोई घर। सर वो बात करी थी हमने परसों ना उनसे। पड़ोस में? पड़ोस में। चलो वो खुद ही शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, बट आई हैव फाउंड अ हाउस फॉर यू। ढूंढा कुछ? अरे घर मिल जाए तो भैया तसल्ली हो, क्योंकि सैंड्रा के आने से पहले चाहिए ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बस वेट हो रही है गुलाटी साहब। ताव ठीक आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा आना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज्यादा भी फोकस मत करो, दाढ़ी दाढ़ी दिखाते रहोगे क्या? कॉशियस हो गए आप दाढ़ी और क्या हैं? क्यों हो गए कॉशियस बता दो। अरे सर आपने कैमरा ऐसे एकदम अंदर कर दिया मेरे। थोड़ी थोड़ी वाइट हो गई है, इसलिए हो गया आप। वाइट बहुत ज्यादा हो गई है। कोई नहीं कोई नहीं सर, टेंशन कम लो ना काम की, आप काम का स्ट्रेस बहुत लेते हो। वो लेना पड़ता है सर, आप कम लेते हो। हम लेते तो हैं सर। देखो ना 5-4 साल पहले यूट्यूब पे कहाँ थे, आज कहाँ थे। ये बात भी ठीक है। स्ट्रेस लेना पड़ता है। गुलाटी साहब को देखो कहाँ थे, आज कहाँ है। आज कहाँ है, सही बात है। हम डेली यहीं आ जाती हैं जी, व्हाट्स ऑन द फ्लेम पे वेजीज लेने के लिए, क्योंकि जाना भी चापे चुपे खाने का मन है इसका, मगर मिस्टर सिंह कह रहे हैं कि मैं वेजीज खाऊंगा, तो इनके लिए हाँ तेरे लिए वेजीज यहाँ से पैक हो रही हैं, उसके बाद जाना चापे लेने। गर्दन नहीं लगा रहा है, एनर्जी कम लगता है भाई। नहीं एनर्जी नहीं, व्हाट्सएप देखने लग गया था। अच्छा अच्छा ओके।
सर की तो फैन फॉलोइंग बढ़ी गई है। सर की फैन फॉलोइंग के चक्कर में तो हमारी रोटी चल रही है। थैंक यू, एंजॉय। बड़ा अच्छा लगता है, ये लोग मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, कहते हैं कि हमारा काम पसंद आता है, बड़ी मोटिवेशन होती है। यहाँ भी वीडियो चल रही है, कलौड़ी चला लो, चला लो, चला लो। मेरे घर या तेरे घर? मेरे घर करना भाई। तेरे घर करें? देखे आपका तो फोन ही नहीं बंद होता गुलाटी साहब। लो सर, मैं पहले ना साला फोन ही फ्लाइट मोड पे डालता हूँ। ये फोन डल गया फ्लाइट मोड पे। आपके भी ऐसे ही रहता है, कम से कम आपके 7 बजे के बाद फोन नहीं आते है? दूसरा वाला भी डाल दो सर। दूसरा भी डाल देता हूँ मेरी जान। लो, एनीथिंग फॉर माय ब्रोस। देखो जी, पहला डाउट तो ये क्लियर कर दूं कि ये चल रही है सिर्फ और सिर्फ को। थैंक यू। एक प्लेट मिल जाएगी बेटा? जी ले। कैरी ऑन। Yes. भाई कल पार्टी है घर पे। अच्छा, सरप्राइज पार्टी। हर्षित के लिए सरप्राइज रखा है एंड हमारे 2-3 और क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं। गुलाटी साहब की फैमिली आएगी, 1-2 फैमिलीज और हैं एंड कल बहुत इंजॉयमेंट होने वाली है। सबसे मिलवाएंगे और ये सरप्राइज इसलिए खराब नहीं होगा क्योंकि जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक सरप्राइज हो चुका होगा, है ना? ओ तेरे भाई, मैंने नहीं गिराया, मेरा गिलास ऊपर है भाई। अभी बंद चल रहा है कैमरा? चालू है, बड़ी स्वाद है। हाथ रख दे, कोक अंदर डाल दे, कोई भी खा सकता है। पेड़ा पूरा घुमा दिया आपने हमें। डेली मुझे भी दिखाता है। ओके ओके। और मैंने भी 13-13 गाड़ी देखी कल, आपकी वीडियो देखी थी, गाड़ी साफ करा रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुझे लगा ये आप कहते नहीं, उनकी A4 है, A6 नहीं। अभी हम यही डिस्कस करते जा रहे हैं, आपका कैमरा नजर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। सुखविंदर की फैन फॉलोइंग अलग है और उसकी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं हम सब मिलके और सुखविंदर के घर पे। हम सब मिलके सब मिलके ही कर रहे हैं, और क्या। ठीक बात है, सब मिलके। और अच्छा, तेरे कहने हंसा क्यों तू? उस पार्टी का जो स्पेशल जो आप समझ चुके हो उस पार्टी में जो स्पेशल चीज है ना वो है कि हमारी भाभी जी सुखविंदर की वाइफ इज मेकिंग अ स्पेशल केक। अच्छा, भाभी जी बना रही है? खुद बना रही है, होम मेड बनाती है, तो हर्षित लोग स्पेशल बनवा रहे हैं। अच्छा, सारे पूरी फैमिली इकट्ठी होंगी, सबके साथ मिलेंगे, सबकी वाइफ्स आ रही हैं, मेरी वाइफ नहीं है। बड़ा दुख लगता है यार, हमें भी बहुत दुख लग रहा है यार, भाभी जी से मिलना है। मैं कब से ये था कि सारे दोस्त जो है ना बीवी बच्चे वाले हो गए हैं, मैं छणा छाट घूमता रहता था और अंदर से ये होता था कि बस अब जल्दी सारा मैटर सॉल्व हो जाए तो इवेंचुअली मैं भी सैंड्रा को सबसे मिला सकूं, इंडिया ला सकूं, बस अब उसी का इंतजार हो रहा है, वो हो जाए तो बिल आ गया जी। कितने का है? नहीं कोई बात नहीं, आप 2 मत मैं दे देता हूँ। 305 का बिल है, 150 रुपए मेरा डच है, 150 रुपए आप दो, ये सबसे अच्छा रहता है। आप कनाडा में जब 305 डॉलर का बिल आएगा तब आप भरना। बाकी चेंज आप रख लेना, ये आपका 305 का बिल है। थैंक यू। सो कल यार अचारी चाप भी अच्छी लगी मनोज जी, आपने खाई नहीं? आप अचारी नहीं, क्रिस्पी वाली आप सारी चाप। भाई जी मैंने एक ही खाई है, उसके बाद और नहीं खाई। ये बोल गए कि मैं टेस्ट टच भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैंने एक एक ही खाई थी। तीन पे तीसरी पे तो मैंने टोका था आपको। नहीं यार नहीं, तीन खा गए। आप हमारे साथ बैठे हो, आप 150 ना मिलाते तब भी आप खाओ। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? तू भी बोल दे भाई। छोड़ यार, कुछ बोलते तो ये बुरा मान जाता है। नहीं, नहीं। एक बार याद है लास्ट टाइम जब मनोचा तू आया था, इसने अपने घर पे पार्टी करी थी। बहुत बढ़िया पार्टी थी, मजा आ गया। उसमें ना व्यूज में मेरा नाम ज्यादा उछल गया। अच्छा, अगले दिन अगर तेरे ध्यान हो या ना हो, गाड़ी में इसको बिठाया हमने, चाप का नहीं गए थे, भरा हुआ था, पैर से सर लेनी देनी कर दी थी मेरी। मैं कह ये जलने की बदबू आ रही है, फिर बाद में पता लगा सरदार जी जल रहे थे क्योंकि घर में पार्टी, इसके पैसे पूसे थोड़े ज्यादा लग गए। अच्छा, कमेंट्स मेरे आ गए मेरे नाम के। तो भाई जी, भाई मैंने अपने दिल को मनाया। मूवी के अंदर शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, पर लोग फिर भी जॉनी लीवर की तारीफ। मैंने दिल को मना लिया।
Yes, it's one. Now you know. नहीं भाई ऐसी बात है, जॉनी लीवर को आप डाउनग्रेड मत करो। अगर जॉनी लीवर ना हो ना तो सलमान खान शाहरुख खान फीके पड़ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ भैया, ना भैया हम तो मैं बन जाता हूँ जॉनी लीवर, आप सलमान खान सर। मेरे को कबूल है क्योंकि सर लोगों को जो हंसाने का टैलेंट है ना, जो लोगों को खुश और चीयरफुल एक अच्छा हैप्पी एक्सपीरियंस देने का हमारे व्लॉग में, उसका तो सर वो ताज आपके सिर पे ही जाता है। जवाब देंगे आपको जल्दी एक आध व्लॉग के अंदर आने वाले। ठीक है ठीक है, इंतजार रहेगा। आ गए हैं वापस होटल, बस भाभी जी ने जो केक वगैरह बनाया था हमने वो खाया। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हो द ट्रैवलिंग देसी, तो हम बीच बीच में आजकल थोड़े बहुत कोशिश करते हैं जैसे मौका लगे हमारी सब्सक्राइबर फैमिली के कमेंट वगैरह पढ़ के वहाँ पे इंस्टा स्टोरीज में रिप्लाई कर दें। केक शेक चल रहा था, किसी ने तेरे लिए भी भेजे ये कोई होटल पे छोड़ गया था नीचे रिसेप्शन पे हमारे लिए, उन्होंने लगता है कोई मैसेज लेटर आया है जी। हाय मोहित, वेलकम टू इंडिया। Heartiest wishes for your wedding and have a blessed journey ahead. अरे वाह, thank you. Just wanted to share that our family really enjoys your video and especially love to see auntie. अरे मम्मी की तो फिर। Keep progressing. That's a well wish from our side. Japneet Kaur Sodhi, Davinder Kaur Sodhi. क्या बात है, Sodhi family. Thank you so very much. भई आपने आके यहाँ पर time निकाला और हमारे लिए इतना प्यारा सा letter छोड़ के गए. Really means a lot. लगता है मिस्टर सिंह आ गए हैं क्योंकि मिस्टर सिंह अपना गल्ला भूल गए थे कल। हेलो, बोलो। एक सेकंड सर, होल्ड करना। आई एम बैक। तू पहले पार्टी से बात कर सर जी, क्या बोलते हैं, आ जाओ फिर आ जाओ। सरदार जी की गाड़ी चमकती चमकती आती है, मेरी कई बार साफ नहीं हो पाती, मजा सा नहीं आता। चमकती गाड़ी का मजा अलग है, सुबह सुबह क्लीन गाड़ी में बंदा निकले ना। सर आपका गल्ला, आपकी अमानत, चेक चेक कर लो। अरे सर जी आप कैसे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे मजाक कर रहा हूँ सर। बाकी अब जा रहा हूँ दीवान साहब को उठाने। हाँ हाँ उठा लो उठा लो। मेरे को भी जाना था सुबह सुबह दीवान साहब के घर, उसके यहाँ से पीस उठाना था, लेकिन लेट ही उतना हो गया मैं कि मैं सीधा फैक्ट्री जा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं भी मैं लड़के को भेज दूँ। लाना है वहाँ से तो नहीं, मैं अपना लड़का भेज दूंगा। चलो ठीक है, कॉम्पोनेंट है वो उठाना था। चलो ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू। निकल गया मुझे दीवान साहब के घर के लिए, उनकी थोड़ी ज़ाती मसरूफियात भी चल रही थी, प्लस उनके फादर साहब की तबीयत भी थोड़ी नासाज थी। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, तो इसीलिए अभी बस उनके पास जाना है, उनसे थोड़ी दुआ सलाम ले लें, क्योंकि खुशी की बात यह है कि पापा की तबीयत उनकी काफ़ी बेटर हो गई है अब, और बस अब जाके उनसे भी मुलाकात करी जाए। फरीदाबाद आ गए तो कमाल ही हो गई है, बहुत सारे लोग पहचानने लग गए हैं, प्यार करते हैं, बड़ा मजा आता है। अभी किसी ने हॉर्न दे के रोक लिया, कोई मिलने आ रहा है। कनाडा से पीछा कर रहे हैं आपका कनाडा। अरे वाह, नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू। मैं बाहर आ जाता हूँ सर, ऐसे अंदर बैठ के आप मेरे से। अरे नहीं यार, क्या बात। अरे नहीं सर, अच्छा नहीं लगता है। एक सेकंड, बाकी जी मेरी थोड़ी सी गाड़ी भी पहचाननी आसान है, और अंकल कहते थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया अपना। मैंने कहा थैंक यू तो मेरे को आपको करनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने तो आपको चलो दो चार मिनट दिए हैं कि हमने बात कर ली, मगर आप लोग तो पता नहीं कितने टाइम से मेरी वीडियोज़ रोज़ देखते हो, तो मेरे को कितना टाइम देते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है जब लोग इतने प्यार से मिलते हैं कि चलो हमारा काम पसंद आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, बट अगेन पिछले 24 घंटे में काफ़ी सारे लविंग फॉलोअर्स मिल गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। अरे दीवान साहब गेट पे ही खड़े हो आप तो। भाई आवाज आ गई ना दरवाजे की। और क्या हाल चाल? बस एकदम बढ़िया, पापा की तबीयत बेटर, डे बाय डे गेटिंग बेटर। मिलना जुलना हो नहीं पाया, मगर आज शाम को मिस्टर पारिक का बर्थडे भी है। आज तो पारिक का बर्थडे, सुखी घर पार्टी है, और क्या तैयारी शारी करनी पड़ेगी। यस, ये से। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू। और सुना? वाह भाई, तू आने से पहले मैंने सोचा कि नहा धो लें, पहले नहा लिया। अच्छा, शेव नहीं की। फिर मुझे लगा तू बोलेगा तू बीमार लग रहा है, तो इसलिए फिर शेव भी कर लिया। सर कई लोग होते हैं जो क्लीन शेव अच्छे लगते हैं, आप उनमें शुमार होते हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो क्लीन शेव बेकार लगते हैं, मैं उनमें शुमार होता हूँ। मैं थोड़ी सी दाढ़ी आ गया, मेरे को हो गए कोई तकरीबन 14 साल ब्लेड लगाए हुए। तो ट्रिम कर सकता है, ट्रिम ही करता हूँ, उस तरह मारे हुए तो 14-15 साल हो गए, याद ही नहीं है कब मारा था। मैं ना मारूँ तो बीमार लगता हूँ। बीमार नहीं लगते, ये है कि थोड़ा थोड़ा मतलब
आपका गेटअप चिकने वाला ज्यादा बढ़िया आता है, आप चॉकलेट बॉय हो ना। अच्छा। और जी जो लोग अभी तक मिस्टर दीवान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके नॉलेज के लिए बता देंगे मिस्टर दीवान का इंस्टाग्राम ही नहीं सिर्फ एक यूट्यूब चैनल भी है, youtube.com/सौरभ दीवान। भाई साहब कैसी वीडियो बना रहे हो यार? बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल चैनल, जैसे जो मेरा लाइफस्टाइल है न्यूयॉर्क है तो थोड़ा न्यूयॉर्क घुमा देता हूँ, इधर घूमता हूँ वो घुमा देता हूँ, जो जो मेरे शौक है वो सबको पता ही है तेरे से। बाकी अब तो पार्टी शार्टी थोड़ी बहुत दीवान साहब आप हो, और बाकी आज शाम को तो जाना ही है, आप आते रहोगे ना? हाँ, बिल्कुल। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज सब्सक्राइब करना यार नया चैनल। कोई 3 घंटे का समय बीत गया है, मैं आके सो गया था, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, झपकी मार ली, क्योंकि अब शाम को फिर जरा पारिक साहब की बर्थडे पार्टी का सीन है, वहाँ पे भी जाना है। मगर अगर आपको ये इंडिया वाली सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जब आप दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलती है, ज़रूर दबाते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।